हेलो फोक्स, वेलकम टू मार्केट शाला। मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर हमारा स्टॉक मार्केट का वीकली एनालिसिस चार्ट पे बात। चार्ट पे बात हमारे ओल्ड व्यूअर्स पहले से जानते हैं, न्यू वंस के लिए मैं बता दूं, इसमें हम करते हैं एनालिसिस पूरा लास्ट वीक, यानी कि जो वीक खत्म हुआ है उसका पूरा एनालिसिस, उसका रेफरेंस कनेक्ट विद आर लास्ट वीक के वीकली एनालिसिस के साथ, और अपकमिंग वीक का ट्रेंड एनालिसिस कि क्या ट्रेंड शो कर रहा है, क्या प्रोबेबिलिटीज जो है मार्केट में शो हो रही हैं, उनके बेसिस पे हमें अपनी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग को किस तरीके से प्लान करना चाहिए, उसके लिए हम एनालाइज करते हैं यूएस मार्केट्स को, क्योंकि यूएस मार्केट्स आर द मार्केट्स विच इफेक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टॉक मार्केट्स, राइट। यूएस मार्केट्स को जो चीज़ इफेक्ट करती है वहाँ के इंटरेस्ट रेट्स, उसको हम बॉन्ड यील्ड्स को हम लोग एनालाइज करते हैं। उसके बाद हम एनालाइज करते हैं कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड क्रूड ऑयल विच इम्पैक्ट द स्टॉक मार्केट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, वॉट एवर यू वॉन्ट से, राइट। उसके बाद हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट और इंडिया वेक्स, उसका इम्पैक्ट हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर जो हम लोगों ने लास्ट वीक एनालिसिस किया था वो कहाँ तक जो है साबित हो पाया और किस तरीके से उसने हमको बेनिफिट किया, और उसके बाद एंड ऑफ दिस एपिसोड वी कम विद अ स्टॉक ऑफ द वीक, जिसको कि आप मंडे को पोजीशन लेने के लिए सोच सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, और अगर उस पर कोई पोजीशन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर एज वे और या तो फिर अपनी खुद की एनालिसिस के बेसिस पे हमारा जो हमने आपके साथ जो नॉलेज शेयर किया है चार्ट्स के ऊपर उसको बेस करते हुए आप जो है उस पर कोई पोजीशन बना करके अपने लिए एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द कमिंग वीक। और बैक टू बैक अगर आप हमारे व्यूअर्स हैं तो आप देखेंगे मंडे ट्यूसडे पे जब वो पोजीशन ली जाती है तो बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, एंड इट इज़ ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ द चार्ट एनालिसिस, प्राइस एंड एक्शन एनालिसिस, और किस तरीके से जो है प्रोबेबिलिटी एनहैंसमेंट को जो है हम लोग रीड करते हैं चार्ट्स के ऊपर। और इसका जो एंड पर्पस है वो ये है, कोई भी जो है आपको एक ऐसा मंत्रा देना नहीं है कि मतलब एक हफ्ते आप प्रॉफिटेबल हो जाएं, अगले हफ्ते फिर जो है आपको उसी तरीके के एक जो है किसी क्लू की ज़रूरत पड़े। आप खुद से जो है चार्ट को एनालाइज कर पाएँ, खुद से प्राइस एंड एक्शन को पढ़ पाएँ, खुद से मार्केट में प्राइस एंड एक्शन किस तरीके से आपको जो है फैक्टर इन करता है, ऑल दी न्यूज़, ऑल दी इवेंट्स प्राइस के ऊपर कैसे आप देख पाते हैं, किस तरीके से एक चीज़ दूसरे के साथ कोरिलेट करती है, दैट्स इट। ये हमारा प्रयास रहता है हमारी इस वीकली सीरीज जो कि वीकली एनालिसिस है स्टॉक मार्केट्स का चार्ट पे बात। चलिए विदाउट टेकिंग मच ऑफ टाइम वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप अपने थोड़े समय में भी इस लर्निंग प्रोसेस के साथ जुड़ के इस लर्निंग का फायदा उठा पाएं और इसको इंप्लीमेंट कर पाएं, इनकॉर्पोरेट कर पाएं अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्टाइल के ऊपर। चलिए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस एज ऑलवेज विद यूएस मार्केट्स। आपके सामने जो है डेली चार्ट ओपन है डाउ जोन्स का डेली चार्ट ओपन है। इट मींस कि अगर वीकली हमें देखना है तो ये जहां पे मेरा कर्सर है यहां से पांच कैंडल यानी कि पांच दिन का मार्केट बना। शुरुआत के चार दिन जो है ये अपने जो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज लास्ट वीक में लिखे थे सेम रहेंगे, इस वजह से उसमें कोई भी चेंज नहीं किया है। 34,600 का हमारा रेजिस्टेंस एरिया था, वहां तक बिना गए हुए जो है मंडे ऑनवर्ड ही यूएस मार्केट ने डाउनफॉल दिखाना शुरू किया, और जो ये ब्लैक लाइन है इसको ब्रीच करते हुए नीचे आया। बट ब्लैक लाइन का रेलिवेंस जो होता है वो वीकली बेसिस पे होता है, और वीक खत्म होते होते इसने इस ब्लैक लाइन के ऊपर जो कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसका कि ब्रीच होना हम एक पॉजिटिव संकेत मान के चल रहे थे, उसके ऊपर ही आकर के इसने क्लोज दे दिया। तो अभी भी जो है जो फ्राइडे का मार्केट है यूएस का वो बताता है कि अभी भी हमारा जो ट्रेंड है वो लॉन्ग का बायसनेस लेकर के यानी कि बुलिश है, बुलिश ट्रेंड में अभी भी जो है यूएस मार्केट चल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं आरएसआई भी जो है ये 50 के ऊपर आ चुका है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है मंडे के लिए हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट्स के लिए, राइट।
रेजिस्टेंसेज एंड सपोर्ट्स विल रिमेन सेम। रेजिस्टेंस 34,600 सबसे पहले ब्रीच करना पड़ेगा, अगर ये ब्रीच करता है तो वीकली लेवल पे 36,450 का जो है रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि एक बहुत बढ़िया बुलिश मोमेंटम यूएस मार्केट एज वेल एज जो हमारे इमर्जिंग मार्केट्स हैं लाइक आर इंडियन मार्केट्स, उनके लिए भी एक बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत होगा। और सपोर्ट जो है 33,550 का जो लेवल है वो अराउंड यही जो लेवल है जो कि ये वीकली लाइन जो ऊपर से जो है डाउन ट्रेंड मोमेंटम चल रहा है इसको ब्रीच करके जैसे कि ऊपर गया है वहीं पे जो है सबसे पहला जो है आपका ये 33,550 का जो लेवल है ये आ रहा है जिसको कि इसे ब्रीच करना पड़ेगा, या फिर आप इसको ये भी समझ सकते हैं जो मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर के ये क्लोज दिया है यही इसका जो है सबसे पहला सपोर्ट लेवल है। और वो अगर एक बार ब्रीच होता है तो आप ये मान के चलिए कि ये ट्रेंड लाइन इसको जो है सबसे पहले ब्रीच करनी पड़ेगी जो कि 32,550 पे है। तो सपोर्ट का जो है हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जो सेकंड सपोर्ट है 32,550, राइट। तो ये है यूएस मार्केट का एनालिसिस। तो इसका हम अगर इंडियन मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम एनालाइज करें तो वी आर इनटू द बुल ट्रेंड। यूएस मार्केट के हिसाब से अभी भी हमारा जो ट्रेंड है वो बुलिश बना हुआ है, तो वी शुड रिमेन पॉजिटिव टूवर्ड्स द इंडियन स्टॉक मार्केट एज वेल। एंड हमारी जो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं वो बुलिश साइड पे ही होनी चाहिए, राइट। आइए एक बार देख लेते हैं कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स क्या कह रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक जो है डबल बॉटम एरिया है जो कि ये मैंने रेड लाइन बना करके इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है। यहाँ से जो है जब मार्केट में डाउनफॉल शुरू हुआ था तो यही वो स्पेस थी जहाँ से ये एकदम अपवर्ड मोमेंटम जनरेट करके लगभग 4% की बॉन्ड यील्ड तक गया था और वहाँ से फिर इसने नीचे आना शुरू किया। नीचे आने के बाद ये वीकली सपोर्ट है अराउंड 3.24% के आसपास। यहाँ से फिर जो है अगर हम पीछे पूरे वीक का जो है अगर हम एनालिसिस करें तो कल मतलब मंडे को सबसे पहले बॉन्ड यील्ड ने बढ़ने की कोशिश करी जहां पे कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था 3.6 यहां से इसने नीचे का मोमेंटम फिर से दिखाना शुरू किया ट्यूसडे को। आप मेरे कर्सर जहां पे मूव कर रहा है उस पे जो है कॉन्सेंट्रेट करिएगा। सेम जो है वेडनेसडे को भी ये फिर नीचे रहा और फिर जैसे ही ये अपने सपोर्ट एरिया यानी कि 3.25 के आसपास आया यानी कि इसका जो थर्सडे का लो था वो था अराउंड 3.30, यहां से फिर एक इसको जो है बाइंग सपोर्ट मिला और इसने फिर थोड़ा सा अपवर्ड मोमेंटम दिखाया। बट डरने की कोई बात इसलिए नहीं है कि मूविंग एवरेज अभी भी इसके ऊपर प्रेशर बनाए हुए है और ये भी एक सिग्नल है इंडिया विक्स का लास्ट वीक का जो परफॉर्मेंस है कि हम अभी भी बुल ट्रेंड में बने हुए हैं इन टर्म्स ऑफ यूएस मार्केट्स एज वेल एज यूएस मार्केट्स अच्छे रहेंगे तो इंडियन मार्केट्स भी। इवन जो है पिछले हफ्ते तो यूएस मार्केट्स खराब थे लेकिन इंडियन मार्केट्स ने पूरे हफ्ते जो है आउट परफॉर्म किया एक्सेप्ट फ्राइडे, राइट। आइए अब कुछ प्रेशियस कमोडिटीज के ऊपर अपना ध्यान आकर्षित करते हैं। ये है गोल्ड। गोल्ड का ये जो सबसे बड़ा जो ये चीज हुआ बहुत ही कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि मार्केट्स भी ऊपर जा रहे थे, इंडियन मार्केट्स भी ऊपर जा रहे थे पिछले हफ्ते और गोल्ड भी ऊपर जा रहा था। आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे? रीजन ये था जब आपको मैं क्रूड ऑयल के चार्ट पे लेके जाऊंगा तो क्रूड ऑयल जब नीचे जा रहा था उसका जो सपोर्ट इंडियन स्टॉक मार्केट को मिल रहा था और गोल्ड ऊपर जा रहा था क्योंकि इनिशियल 4 डेज में यूएस मार्केट नीचे आ रहा था, यूएस का इक्विटी मार्केट नीचे आ रहा था तो वो सपोर्ट गोल्ड को मिल रहा था जिससे कि गोल्ड ऊपर गया, राइट। आप ये देखिए यहां जहां मेरा कर्सर है यहां से 4 कैंडल बैक टू बैक आप देखेंगे तो ये 4 कैंडल जो है यूएस इक्विटी मार्केट के अंदर जो है नीचे जाती हुई दिखाई देंगी और गोल्ड ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। सेम फ्राइडे को जो है यूएस मार्केट ऊपर जाती हुई दिखाई देगी और ये गोल्ड का जो प्राइस है ये नीचे आता हुआ दिखाई देगा। अब आप कहेंगे कि इंडियन मार्केट पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, इंडियन मार्केट ने यूएस मार्केट को क्यों नहीं फॉलो किया? रीजन था उसके पीछे क्रूड ऑयल। जब हम क्रूड ऑयल के चार्ट पे जाएंगे आप देखेंगे क्रूड ऑयल कंटिन्यूअसली शुरुआत के 4 दिन जो है डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा रहा था और उसका फायदा इंडियन मार्केट को ही सबसे ज्यादा होता है। इस वजह से जो है उसने यूएस मार्केट के
विपरीत जाकर के अपना अपवर्ड मोमेंटम जारी रखा। और जब आप क्रूड ऑयल वाले चार्ट पे जाएंगे तो देखेंगे कि वहां पे फ्राइडे को एक अपवर्ड मोमेंटम देखा गया और इंडियन मार्केट में इक्विटी मार्केट्स के अंदर एक डाउनवर्ड मोमेंटम हमने देखा। चलिए, ये तो एक एनालिसिस की बात है, धीरे धीरे समझते हुए ही समझ में आएगी। हम देख लेते हैं कि गोल्ड का जो है वीकली चार्ट क्या कह रहा है। गोल्ड का वीकली चार्ट ये कह रहा है बहुत ही अनडिसाइसिव स्थिति में है, अपना जो है लाइफ टाइम हाई बना करके वो एक बार फिर से जो है जो उसका रेजिस्टेंस एरिया था अराउंड 2040 उसके नीचे आ गया है, लेकिन उसने मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के थोड़ा सा रिट्रेसमेंट अपवर्ड साइड में दिखाया है। तो हमें वेट करना होगा, या तो ये मूविंग एवरेज जो है थोड़ा सा और जो है अपनी स्ट्रेंथ दिखा करके 2040 के आसपास तक पहुंचने की कोशिश करे और गोल्ड जो है इसके ऊपर 2040 के ऊपर एक दो दिन क्लोज दे और जो है आपका ये जो मूविंग एवरेज है उसके पास जाकर के एकदम क्लोजनेस बनाए और स्ट्रेंथ दे उस पर्टिकुलर प्राइस को, तब एक लॉन्ग पोजीशन यहां से आप ले सकते हैं विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। लेकिन अगर ये जो है गोल्ड का प्राइस आने वाले मंडे ट्यूसडे में ये मूविंग एवरेज के नीचे आ जाता है तो फिर ये जो रेजिस्टेंस लेवल है 2040 के प्लस ये जो मूविंग एवरेज है ये दोनों मिलकर के प्रेशर बनाएंगे और फिर आपका जो गोल्ड है वो आ सकता है 1950 के सपोर्ट के आसपास। तो ये है गोल्ड के ऊपर हमारा वीकली एनालिसिस। अकॉर्डिंगली आप इसको, जो इंडियन हमारे व्यूअर्स हैं वो इसको जो है कन्वर्ट करें MCX के चार्ट के ऊपर, अकॉर्डिंगली जो है अपनी पोजीशंस ट्रेडिंग की वो प्लान कर सकते हैं, राइट। आइए, जो हम बात कर रहे थे क्रूड ऑयल की, अब उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, यहां मेरा कर्सर है, ये था अराउंड मंडे, राइट। मंडे से लेके बैक टू बैक तीन कैंडल जो है नीचे गई है, यानी कि क्रूड ऑयल नीचे गया। इवन जो है थर्सडे को भी इसने जो है अपना सपोर्ट ब्रीच करके, सपोर्ट था इसका 66 डॉलर, ये हमने लिख के रखा था, इसको ब्रीच करके ये नीचे गया। इंडियन मार्केट जब तक कि ओपन था थर्सडे को, इंडियन मार्केट एकदम जो है इस मोमेंटम का, इस डाउनवर्ड मोमेंटम का क्रूड ऑयल के इंडियन मार्केट ने फायदा उठाया और जो है इंडियन इक्विटी मार्केट ऊपर गए। लेकिन क्लोज होने से पहले क्रूड ऑयल ने, यूएस मार्केट में क्रूड ऑयल ने क्लोज होने से पहले इस सपोर्ट को डिसाइसिवली ब्रीच नहीं किया और अपना क्लोज जो है ऊपर जाके दिया। और ये जो है एक स्ट्रेंथ एंड रिट्रेसमेंट जो ये मिला था, इसने एक सपोर्ट दिया क्रूड ऑयल के प्राइस को और फ्राइडे को फिर इसने एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाया और कुछ अदर इवेंट्स, कंफ्यूजन ऑफ बैंकिंग क्राइसिस इन यूएस एज वेल एज इस जो ये जो क्रूड प्राइस का जो ये अपवर्ड मोमेंटम था, इसकी वजह से हमें एक जो है डाउनवर्ड मोमेंटम इंडियन इक्विटी मार्केट्स में देखने को मिला। रेजिस्टेंस सपोर्ट्स विल रिमेन सेम। रेजिस्टेंस जो है 83 पे है, उसके बाद 93 पे है और उसके बाद 120 डॉलर के ऊपर है। लेकिन अब जो है सबसे पहला रेजिस्टेंस जो है वो आ जाएगा 75 पे, जो कि सपोर्ट था पहले, अब वो रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इस चीज को मेंशन कर लेते हैं, ये 75 अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि एक अच्छी बात है इंडियन स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर जो है क्रूड ने बढ़ने का कोशिश किया तो ये मूविंग एवरेज एज वेल एज जो ये वीकली रेजिस्टेंस लेवल है, वीकली रेजिस्टेंस लेवल्स माय डियर फ्रेंड्स बहुत ही जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल होता है, यहाँ पे इसे जो है बियर्स का सामना करना पड़ेगा जो ट्रेडर्स हैं, और यहाँ से फिर जो है क्रूड ऑयल के नीचे की तरफ जाने के पूरे चांसेस हैं। और जिस तरीके की यूएस मार्केट जो है एक अपवर्ड मोमेंटम दे करके बंद हुआ है, हो सकता है मंडे को कौन जाने यहीं से जो है फिर ये क्रूड ऑयल जो है अपना डाउनवर्ड मोमेंटम दिखा दे। बट हो, ये भी हो सकता है कि लगभग ये एक बार 75 डॉलर्स के लेवल्स को टच करे, और जब तक ऐसा होगा तब तक जो है थोड़ा सा प्रेशर इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी देखा जा सकता है, ठीक है। चलिए, अब देख लेते हैं हमारा और आप सबका फेवरेट इंडिया विक्स क्या कह रहा है। ये थोड़ा सा हमें जो है संकेत दे रहा है कि भाई बहुत हो गया, आपने मुझे जो है धक्का दे करके 11.63 का जो मेरा सपोर्ट लेवल था उसके नीचे मुझे डिसाइसिव क्लोज भी दिला दिया इस कैंडल के ऊपर, और फिर मैं और कितना नीचे जाऊं, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वॉलेटिलिटी, कुछ ना कुछ तो जो है
वॉलेटिलिटी चाहिए ही मार्केट के अंदर। अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी एकदम जीरो ही हो जाएगी तब तो ना कोई खरीदेगा और ना कोई बेचेगा, तो ऐसे तो मार्केट चलता नहीं है। तो डरने की ज़्यादा बात नहीं है, क्योंकि ये अभी भी जो लॉन्ग रन पे जो हमारी ये ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चली आ रही है, इसके नीचे ही है। हालांकि इसने मूविंग एवरेज के थोड़ा सा ऊपर क्लोज दिया है, लेकिन स्टॉक मार्केट्स के लिए, कमोडिटी मार्केट्स के लिए जहाँ पे ट्रेडर्स होते हैं, थोड़ा सा वॉलेटिलिटी होना अच्छी बात होती है। वॉलेटिलिटी ज़ीरो हो जाना भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है मार्केट्स के हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केट की सेहत के पॉइंट ऑफ व्यू से। मार्केट में एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बायर्स एंड सेलर्स के बीच में बना रहे, तो जो है जब तक इंडिया विक्स 14 के नीचे है, दैट इज समथिंग विच इज पॉजिटिव फॉर द स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स एज वेल एज ट्रेडर्स। ट्रेडर्स तो जो है कई बार जो ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं वो तो हाई विक्स को जो है चेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हाँ, हम ज़्यादा हाई विक्स के ऊपर नहीं जाएंगे, लेकिन हम 13-14 तक विक्स को एक हेल्दी विक्स मानते हैं। ये जो लाइंस हैं, रेड लाइन या ये सपोर्ट है जो कि 11.70 या 12 के आसपास है, और प्लस ये 14 के आसपास की जो डाउनवर्ड मोमेंटम चली आ रही है, विक्स हमारा इसी के पास रहे, हमारे इंडिया स्टॉक मार्केट्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ये एक संकेत होगा, जिसमें कि अच्छे से ट्रेड भी कर पाएंगे और एक हेल्दी इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक अपवर्ड मोमेंटम को भी एंजॉय कर पाएंगे। राइट, आइए अब देख लेते हैं निफ्टी क्या कह रहा है, क्या उसने कहा पिछले हफ्ते और अब क्या बोलता है निफ्टी। देखिए, पिछले हफ्ते जो है आप देखें, हम लोग यहाँ पर थे फ्राइडे के बाद, ये मंडे हमने सीधे जो है जो रेजिस्टेंस लेवल था हमारा, ये जो लाइन है रेड लाइन, ये है 18,134, इसके आसपास ओपन देके इसके ऊपर क्लोज किया। अगले दिन फिर हम जो इसी के नीचे रहे, फिर उसके बाद एक बेहतरीन बुलिश जो है कैंडल जनरेट हुई, जिसने कि बहुत बेहतरीन तरीके से जो है 18,200 के लेवल्स को भी क्रॉस करके वहाँ ऊपर क्लोजिंग दी। लेकिन समहाउ फ्राइडे को हम इस मोमेंटम को मेंटेन नहीं रख पाए, हालांकि कोशिश जरूर की हमने ऊपर 18,200 के लेवल तक जाने की, और गए भी, लेकिन फिर वापस आ गए क्योंकि क्रूड ऑयल ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, प्लस यूएस मार्केट में बहुत अनडिसाइसिवनेस बैंकिंग क्राइसिस को लेकर के चल रहा था, जो कि यूएस मार्केट का एक सिग्नल फ्राइडे को हमें मिल गया है इंडियन मार्केट्स के क्लोज होने के बाद। उसने एक बेहतरीन जो है अपना ट्रेडिंग डे बुलिश साइड पे जनरेट किया फ्राइडे को, तो होपफुली ये एक पॉजिटिव साइन है इंडियन मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रूड ऑयल थोड़ा सा नरमी दिखाए और यूएस मार्केट से हमें पॉजिटिव साइन मिल चुके हैं, हम दोबारा से ये जो एरिया है अराउंड 18,134-150 के ऊपर का, यहीं से ओपन करके फिर एक अपवर्ड मोमेंटम दिखाएंगे, और वो फिर अगला रेजिस्टेंस जो होगा, स्पॉट लेवल्स पे बात कर रहा हूँ मैं, 18,742 यानी कि 18,750 का होगा। सपोर्ट अभी भी जो आपका है वो 17,550 पे ही बना हुआ है, लेकिन उससे पहले जो है निफ्टी को नीचे अगर आने का सोचना भी है तो 17,800 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, जिसको कि डेली बेसिस पे उसे क्लोज करना होगा। लेकिन जिस तरीके के सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो है ये निफ्टी इतना नीचे आएगा। निफ्टी का जो मोमेंटम है, ये देखिए, यहाँ से सीधे जो है ऊपर जा रहा है, और ऊपर एकदम सिंगल डायरेक्शन में जाना भी ठीक नहीं होता, ऊपर जाओ नीचे आओ फिर थोड़ा सा और ऊपर जाओ, मतलब हायर हाइज एंड हायर लोज बनाते हुए चलते रहो और बढ़ते रहो। रेजिस्टेंस लेवल फॉर दी कमिंग वीक विल रिमेन सेम, 18,150 और 18,750। 18,150 ब्रीच करता है तो 18,750 के लिए हमारे वीकली लेवल्स ओपन हो जाएंगे, एंड सपोर्ट लेवल जो है वो है 17,550, जो कि बहुत ही सेफ है, लेकिन उससे पहले 17,800, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, 17,800 का लेवल जो है वो भी बहुत तरीके से देखना पड़ेगा बियर्स को उसे ब्रीच करने से पहले। राइट, तो ये है निफ्टी। निफ्टी का कंक्लूजन ये है कि हम अभी भी जो वर्ल्ड मार्केट के संकेत मिल रहे हैं, जो हमें कमोडिटीज़ के संकेत मिल रहे हैं, जो हमें बॉन्ड यील्ड्स के संकेत मिल रहे हैं, जो हमें इंडिया विक्स के संकेत मिल रहे हैं, अभी भी हम एक लॉन्गर रन के लिए ही तैयार हैं पूरी तरीके से। डरने घबराने की कोई बात नहीं है बुल्स को, बियर्स का काम है
वो तो ट्रेड करने के लिए आते हैं, उनको मौके मिलते रहेंगे जैसे कि फ्राइडे को मिला, लेकिन लॉन्गर होराइजन के साथ इन्वेस्टर्स कैन रिमेन काम, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। हम लोग अभी भी इंटैक्ट हैं अपने बुल रन के साथ, जो कि मुझे लगता है एक स्टार्ट तो दे चुका है। इट इज़ हार्डली मैटर ऑफ ब्रीचिंग दी लाइफ टाइम हाई, नथिंग एल्स, टिल नाउ वी कैन से दैट मच ओनली। चलिए अब नहीं लेते हैं ज़्यादा समय आपका, शुरू करते हैं अगले हफ्ते का ट्रेड क्या हो। अगले हफ्ते का ट्रेड माय डियर फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, अल्ट्राटेक सीमेंट लेवल्स मैंने दे रखे हैं, लेवल्स हैं सीएमपी पे आपको बाई करना है, यानी कि 7628 रुपए पे अभी जो है ये चल रहा है मार्केट, जहां भी ओपन होगा जो है वहां पे हम बाई करेंगे और उसके बाद हम चेज करेंगे हमारे टारगेट्स को अराउंड 8050 तक के, या फिर जितने भी हमें हफ्ते में मिल जाते हैं। और उसके बाद जो है स्टॉप लॉस जो है हमारा होगा, बड़ा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है डे ऑन डे बेसिस के क्लोज पे 7392 रुपए, यानी कि लगभग बांध के चलिए कि 225 रुपए नीचे, ठीक है, डे क्लोजिंग के बेसिस पे। तो ये है आपका ट्रेड ऑफ द वीक, अल्ट्राटेक सीमेंट वी विल बाय एट सीएमपी एट द ओपनिंग ऑफ द मार्केट एंड वी विल चेज द प्रॉफिट ऑफ अराउंड 8050 लेवल विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एट 7392 ऑन डे टू डे क्लोजिंग बेसिस। तो ये है हमारा इस हफ्ते का, माने अगले हफ्ते का ट्रेड। आशा करता हूं आप इस सेगमेंट को पसंद कर रहे होंगे और प्रॉफिटेबल रह रहे होंगे, लेकिन उससे पहले फिर मैं एक बार बता दूं कि अगर आप कोई पोजीशन लेते हैं तो अपनी एनालिसिस पे जो है बिलीव करके आगे बढ़ें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट करें, क्योंकि वी आर शोइंग ऑल दीज थिंग्स, वी आर शेयरिंग ऑल दीज थिंग्स फॉर द एजुकेशनल पर्पज, लेकिन ये वो चीज़ें हैं जो कि हम खुद मार्केट में कर रहे हैं। तो देर इज़ नथिंग लाइक दैट कि हम आपको कुछ बता रहे हैं वो हम लोग अपने लिए नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो उससे क्या है कि एटलीस्ट एक कॉन्फिडेंस के साथ हम आपके सामने कोई चीज़ प्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, पिछले हफ्ते हमने जो एक स्टॉक बताया था कितने लोगों को याद होगा, अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल हमने लास्ट वीक दिया था सीएमपी पे बाई करने के लिए 4513 रुपए के ऊपर, ये था बाइंग लेवल अपोलो का। मंडे को जो है उसका जो प्राइस था, ये है उसकी मंडे की कैंडल, लो गया था 4476 रुपए तक, और हमने कहा था कि भाई 4513 रुपए का 70 पैसे का जो है क्लोजिंग प्राइस है फ्राइडे का, मंडे की ओपनिंग में इसको खरीदा जा सकता है। मंडे की ओपनिंग हुई 4529 रुपए पे, यानी कि हमारे जो फ्राइडे के क्लोजिंग थे उससे जो है 10-20 रुपए ऊपर, राइट। और आज जो लेवल है उसका वो है 4602 रुपए। तो इट डिपेंड्स कि आपका क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड का जो है किस तरीके का आपका पैटर्न है, अकॉर्डिंगली हम वीक ऑन वीक बेसिस पे ट्रेड देते हैं। आप कभी भी जब भी आपको प्रॉफिट मिले आप अपने हिसाब से उस प्रॉफिट को या तो चेज करिए स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, ये नहीं कि पूरा टाइम जो है स्टॉप लॉस अगर हमने बता दिया 4342 तो वो एकदम जो है रामबाण हो गया, उसको ही पकड़ के बैठे हैं। अब इसको जो है आप ऊपर ले जाइए, ऊपर ले जाने का एक तरीका है, जो भी आपका जो है पीछे आपका कॉस्ट प्राइस है वहाँ पे ले जाके खड़ा कर दीजिए इसको, जिससे कि अब आपको जो है कोई भी लॉस ना बियर करना पड़े। और अगर आपको लगता है कि जो चीज़ आपने 4529 रुपए में ख़रीदी थी अभी वो जो है लगभग 60-70 रुपए बढ़ गई है, और अगर आपने इस सौदे को अपने एक बड़ी क्वांटिटी के साथ किया था और आपको ये वीकली एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे के जा रहा है, तो आप क्लोज भी कर सकते हैं। तो प्रॉफिट बुकिंग इज समथिंग विच वी कैन शेयर विद यू आइडियल ऑन एन आइडियल बेसिस, बट ऐसा नहीं है कि उसको आपको एकदम जो है बिना कुछ सोचे समझे आँख बंद करके ही फॉलो करना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज होती हैं। एक बार आप ट्रेड के अंदर जाते हैं तो मार्केट सिनेरियोज के हिसाब से भी आप अपना जो है डिसीजन मेकिंग करते हैं। चार्ट पे जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही होती हैं छोटे होराइजन के ऊपर, 1 आवर कैंडल के ऊपर, 2 आवर कैंडल के ऊपर, उसके हिसाब से भी कुछ लोग जो है अपनी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से इस ट्रेड को कंटिन्यू करना चाहते हैं या क्लोज करना चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोगों ने तो क्लोज भी कर दिया होगा। चलिए
जस्ट ये एक शेयर करने का मेरा पर्पज ये था कि थिंग्स व्हाट वी आर शेयरिंग विद यू, इट इज वर्थ फॉर लर्निंग, जिससे कि इस तरीके के ट्रेड्स आप खुद अपने आप से निकाल पाए, राइट? जब खुद अपने आप से निकाल पाएंगे, खुद सेल करना भी सीख, मतलब मार्केट में शॉर्ट करना भी सीख पाएंगे, लॉन्ग करना भी सीख पाएंगे, तब आप अपने आप को एक पूरी तरीके से एक बेहतरीन ट्रेडर के रूप में मार्केट के अंदर पाएंगे, राइट? तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग थिंक इन्वेस्ट, लर्न इन्वेस्ट एंड डू इन्वेस्ट, एंड ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज अ फुल टाइम बिजनेस. इफ यू कैन स्पेंड फुल टाइम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, देन ओनली यू शुड कम इन टू द ट्रेडिंग. एंड फॉर ट्रेडिंग, थिंक ट्रेड, लर्न ट्रेड, एंड देन ओनली डू ट्रेड. एंड ट्रेडिंग के लिए या इन्वेस्टिंग के लिए सबसे बड़ा जो रामबाण है वो है एक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी को डेवलप करना, प्लस डिसिप्लिन्ड रहना, प्लस रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड मनी मैनेजमेंट को पकड़ के रखना. क्योंकि पैसे रहेंगे तभी इस मार्केट में आप रहोगे, और अगर पैसे नहीं रहेंगे तो ये मार्केट जो है कोई भी रिश्तेदारी किसी के साथ नहीं निभाता है मेरे दोस्तों. ये जो है आपको भी जो है साइड लाइन पे ले जाके खड़ा कर देगा. फिर आप चाहे कितना ही स्टॉक मार्केट पे पेपर ट्रेडिंग करके ये सोचते रहो कि अगर मेरे पास पैसे होते तो मैंने इतने पैसे कमा लिए होते, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, राइट? चलिए, ये चार्ट पे बात का जो शो था यहीं तक था. और अगर आपको ये पसंद आया, आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं, तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि ज्ञान एक ऐसी चीज होती है जो बांटने से बढ़ता है. और बढ़ाते रहिए, कारवा को चलाते रहिए. फिर मिलेंगे इसी जगह पे, मार्केट शाला पर, इसी शो पे अगले हफ्ते, चार्ट पे बात के नेक्स्ट वीक के शो के साथ. फॉर द टाइम बीइंग, एंजॉय योर वीकेंड, कम विद फुल ऑफ योर एनर्जी ऑन मंडे, एंड go with bang with your strategies, intraday trades, investing, everything, because it is something which is, agar aap ise pasand karte hain, which is unparalleled, means which that is something which you cannot compare with anything, right? So ye ek aisa passion hai, agar ye aapko jo hai kick deta hai, to aapki wealth bhi generate hogi aur aap enjoy bhi kar payenge apne kaam ko, right? और इन्वेस्टिंग तो मैं हमेशा ही कहता हूँ, सभी से कहता हूँ, चाहे भले ही वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स के थ्रू आप इंडेक्स फंड खरीदें, म्यूचुअल फंड्स खरीदें, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट जरूर करिए, क्योंकि यही वो एक शस्त्र है जो कि आपको आपको जो है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए एक कॉम्पिटेंस देता है. चलिए, थैंक यू सो मच. दिस इज वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड चार्ट पे बात. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. बाय बाय.